स्क्वायर रूट ऑफ 97 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड कैसे फाइंड करें अभी हम समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पर जब आपका ध्यान से सुनना, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है आपका, 81 होता है। यदि कोई संख्या आपका 81 से बड़ी है यानी 81 से ज़्यादा है, चाहे 82 83, जैसे यहाँ कितना आपका 97, 97 क्या है ग्रेटर देन 81 है, या ऐसे समझो 81 लेस देन 97 है, यानी 81 आपका 97 से कम है, या दूसरे शब्दों में 81 से 97 ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हम अपना किसको लेते हैं, 9 बाई 9 को लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, एक बार इसको यहाँ लिखा जाता है, फिर इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। अब आगे क्या करें, बिल्कुल आसान तरीका रहता है, यहाँ पॉइंट लगाएं, उसके बाद 0000 ऐसे लिख दें, ठीक है, इन जीरो को दो दो के एक साथ लेके मार्क कर दो, इस पॉइंट को यहाँ ले आओ और अगले 00 यहाँ ले आओ। अब क्या करें, अब जैसे ये हमारा 8 है, इसके साथ हम 6 लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 36 3 के रिच लगे 8 से 48 और 3 51, 5 के रिच लगा 6 5 11। जैसे हम अपना 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 3 4 के रिच लगे 7 8 56 और 4 कितना 60, 6 के रिच 7 13 आ गया, ओके। उसके बाद जैसे यदि हम ट्रायल करते हैं अपना 8 के लिए, 8 8 64, 6 के रिच लगे 8 8 64 और 6 कितना 70, 7 के रिच लगे 8 7 15। देखिए यह जो संख्या है ना, यह संख्या आपका इससे नज़दीक है, बाकी ये भी लेस देन है, यह भी लेस देन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी, ये क्या है इसके जस्ट नज़दीक। यदि 9 लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेटर देन 1600 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे किसको लेना है, 8 को लेना है, किसको लिया 8 को, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है इसको यहाँ लिख दिया, जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसके बाद इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, कितना आ गया 6 96 आ गया। उसके बाद अगले 00 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिलना चाहिए, या ऐसी छोटी संख्या मिले, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों हम जैसे इसके साथ अपना 9 लेते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, 8 लिया जैसे 8 से भी ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर हम जैसे 9 5 45 4 के रिच लगे, तो इसके साथ जैसे हम अपना 5 लेंगे तो भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कैरी जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो किसको लें फिर 4 को लें, 416 एक कैरी चला गया, 25 आ गया, 2 कैरी चला गया, 36 38 3 कैरी चला गया, ये कितना आ गया 7। जैसे एक बार मैं 5 को लेकर भी देख सकता हूँ, 5 4 25 2 कैरी चला गया, 30 2 32 3 कैरी चला गया, यहाँ पे 48 4 के लिए आ गया। देखिए ये कितना है 9825, ये कितना 9700, यानी आपका ये क्या आ गया बड़ा आ गया, ओके। 5 को लेने से बड़ा आया लेकिन 4 को लेने से कम आया, तो यहाँ पे 4 को हम लॉग कर देंगे। ये जो हमारा वैल्यू निकला है कितना 9.84, ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से आप अपना यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।